जॉन सीना ने बॉडी बनाने की शुरुआत बचपन से ही क्यों कर दी थी? क्या कारण था कि जॉन सीना एक वक्त पर अपनी कार में रहा करते थे? जॉन सीना और ड्वेन जॉनसन के बीच के राइवलरी का असली कारण क्या है? जॉन सीना के हिडन टैलेंट्स क्या हैं? साथ ही साथ जॉन सीना के आइकॉनिक नाम को उन्हें इस्तेमाल करने के लिए पैसे क्यों देने पड़ते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आखिर हम जॉन सीना को देख क्यों नहीं सकते? अगर आप जॉन सीना के फैन हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सारे सवाल अपने दिमाग में जरूर पूछे होंगे, और आज की इस वीडियो में आपको जॉन सीना से जुड़े हुए ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमोको हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन सीना का जन्म अमेरिका के मैसाचुसेट्स के वेस्ट न्यूबरी में अप्रैल 23, 1977 को हुआ था, जहां पर उनकी मां का नाम कैरल ल्यूपिन और उनके पिता का नाम जॉन जोसेफ सीना था, जहां पर उनके पिता बेसिकली एक फॉर्मर रिंग अनाउंसर भी रह चुके थे कियोटिक रेसलिंग के लिए। जॉन सीना बचपन से ही रेसलिंग के बहुत बड़े फैन थे और वो एक्चुअली अपने 5 भाइयों के साथ मिलकर रेसलिंग गेम खेला करते थे और कार्डबोर्ड से अलग अलग चैंपियनशिप बेल्ट्स को बनाया करते थे। लेकिन जिस आइकॉनिक और हीरोइक पर्सनालिटी के लिए जॉन सीना आज जाने जाते हैं, एक्चुअली इस पर्सनालिटी को डेवलप करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण उनके बचपन से जुड़ा है, जहां पर स्कूल के अंदर वो बहुत बार बुली किए गए थे क्योंकि बचपन में वो काफी दुबले पतले थे और ग्रुप ऑफ बॉयज कभी कभार उन्हें पकड़ के पीटा भी करते थे, जिसके कारण उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो खुद को बड़ा बनाएंगे और अपने 12वें क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में उन्होंने वेट लिफ्टिंग की डिमांड की और उन्होंने 3 साल के अंदर अंदर मस्कुलर बॉडी अचीव कर ली, जिसके कारण उन्हें हाई स्कूल की सीनियर ईयर बुक में बेस्ट बॉडी के लिए भी मेंशन किया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। ब्लेंडर एक बहुत ही पावरफुल 3D सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप 3D मॉडलिंग, 3D एनिमेशन और 3D एसेट्स तक डिजाइन कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप वीडियो गेम या विजुअल इफेक्ट्स में भी कर सकते हैं। और आज के जमाने में 3D एक वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेइंग वैल्यूएबल स्किल है। लेकिन एज अ बिगिनर ब्लेंडर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स 3D सॉफ्टवेयर हो सकता है, लेकिन थैंकफुली आवर ब्लेंडर गुरु एंड्रू प्राइस, जिन्हें देखकर बहुत सारे 3D आर्टिस्ट ने अपनी शुरुआत की थी, स्पेसिफिकली उनके डोनट ट्यूटोरियल को देखकर। लेकिन आज से पहले प्रॉब्लम ये थी कि ट्यूटोरियल सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में था, बट अब मेरी आवाज के साथ आप उनके ट्यूटोरियल को एंजॉय कर सकते हैं, वो भी हिंदी में, और इसका पहला लेसन अब हिंदी में अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई इस वीडियो की लिंक पर जाइए और उस वीडियो के नीचे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए। रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो हम इसके बाकी पार्ट्स को भी जल्द ही रिलीज करेंगे। बात करें अगर पढ़ाई लिखाई की, तो जॉन सीना ने मैसाचुसेट्स के अंदर ही लॉरेंस में अपनी सेंट्रल कैथोलिक हाई स्कूल से अपनी प्राइमरी पढ़ाई की, जिसके बाद एशबरहैम में उन्होंने एक प्राइवेट प्रेप बोर्डिंग स्कूल कशिंग एकेडमी को भी ज्वाइन किया। इसके बाद फाइनली वो मैसाचुसेट्स के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में एनरोल करते हैं, जहां पर NCAA डिवीजन 3 ऑल अमेरिकन सेंटर के अंदर वो इस यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। और 1998 में उन्होंने एक्सरसाइज साइकोलॉजी और बॉडी मूवमेंट के अंदर इसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली। अब इसके बाद साल 1999 में ही जॉन सीना अपनी डिग्री का इस्तेमाल करने के लिए कैलिफोर्निया में मूव करते हैं, जहां पर उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि वो शुरुआत में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर नहीं जाना चाहते थे और वो बेसिकली किसी फिटनेस फील्ड के अंदर काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपनी डिग्री के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही थी। इसके अलावा उन्होंने कई और नौकरियों में ट्राई किया, जैसे कि उन्होंने कैलिफोर्निया के हाईवे पेट्रोल के अंदर पुलिस ऑफिसर का भी एग्जाम दिया था, जिसमें वो फेल रहे थे। इसके बाद उन्हें फाइनली बाउंसर की नौकरी मिली, जिसमें $50 पर नाइट के हिसाब से वो काम किया करते थे, जिसमें कई बार उन्होंने कस्टमर्स को सीधा भी किया था और कभी कभार खुद भी पिट चुके थे। खैर, सबसे ट्रेजिक मोमेंट उनके फूड को लेकर था, जहां पर $50 के अंदर गुजारा करने के लिए वो जिपीज पिज्जा नाम के एक शॉप पर डिपेंड रहते थे, जो बेसिकली एक कॉम्पिटिशन किया करते थे कि उनका एक स्पेशल जायंट पिज्जा जो भी पूरा का पूरा खा लेगा उसे पैसे नहीं देने होंगे, और ये कॉम्पिटिशन रोज जॉन सीना जीता करते थे। फाइनली शॉप ओनर ने इस बात को समझकर उन्हें कुछ फ्री पिज्जा अपनी ओर से ऑफर करना शुरू किया। इसके साथ साथ उन्होंने आगे जाकर लिमोजिन ड्राइवर के रूप में भी काम किया और फाइनली उन्होंने गोल्ड जिम के स्टोर एरिया के अंदर $6 पर आवर के हिसाब से काम करना शुरू किया। लेकिन फाइनली उनकी शुरुआत रेसलिंग के अंदर अल्टीमेट प्रो रेसलिंग से हुई, जहां पर वो बेसिकली एक सेमी रोबोटिक पर्सोना यानी द प्रोटोटाइप के नाम से जाने जाती थी, जो खुद को एक हाफ मशीन और हाफ ह्यूमन बोलता था। बट इवेंचुअली इसी पर्सोना के नाम पर उन्होंने अपना एक छोटा सा नाम बनाया और साल 2001 में उन्हें WWE के अंदर साइन किया गया और उन्होंने इसी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल OVW यानी ओहायो वैली रेसलिंग के अंदर इस्तेमाल किया था।
फाइनली ये पर्सनैलिटी लोगों के बीच में ज्यादा चल नहीं पाई, जिसके कारण 2002 से उन्होंने अपनी नई पर्सनैलिटी द डॉक्टर ऑफ थग्नोमिक्स नाम का पर्सनैलिटी डेवलप किया, जो बेसिकली एक वाइट रैपर था। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ये पर्सनैलिटी भी उनकी एक वन ऑफ पर्सनैलिटी होने वाली थी, लेकिन जब एपिसोड्स के अंदर उन्होंने अपने रैप स्किल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया तो लोगों को ये कैरेक्टर उनका काफी पसंद आया और यही चीज बेसिकली उनकी आइकॉनिक पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गई। बट इवेंचुअली ये कैरेक्टर WWE के रूथलेस एरा का कैरेक्टर था और अपनी फॉलोइंग यंगर डेमोग्राफिक्स में बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पर्सनैलिटी को चेंज किया और अपने सबसे पहले और सबसे आखिरी नाम यानी जॉन सीना को ही फाइनल किया। अब जैसा कि हर किसी का कोई ना कोई सुपरस्टिशन होता है, जॉन सीना भी किसी से कम नहीं है और एक्चुअली उनकी आदत है अपने हर मैच से पहले वुड को नॉक करने की और अपने ओपोनेंट से हैंडशेक करके गुड लक, बी सेफ, हैव फन बोलने की। इसके साथ साथ अपने नर्वसनेस को दूर भगाने का भी उनका एक बहुत ही अनोखा तरीका है, जहां पर वो अपने हर मैच से पहले टिक टैक खाया करते हैं, वो भी एक या दो पीसेस नहीं बल्कि मैच से 3 घंटे पहले 5-5 बॉक्सेस। इसके अलावा अगर आप WWE को फॉलो करते हैं तो आपको ये बात मालूम ही होगी कि जॉन सीना और ड्वेन द रॉक जॉनसन राइवल्स हैं और इनकी एक दूसरे के साथ ऑन एंड ऑफ रोस्टिंग चलती रहती है, लेकिन इसकी शुरुआत साल 2011 में हुई थी जब जॉन सीना ने एक्चुअली ड्वेन द रॉक जॉनसन को WWE में फोकस ना करके पिछले 8 सालों से सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड में काम करने के लिए रोस्ट किया था और यहीं से इन दोनों आइकॉनिक लेजेंड्स की काइंड ऑफ अ बिटर स्वीट राइवलरी शुरू हुई थी। बट सच तो ये है कि बिहाइंड द सीन जॉन सीना ड्वेन द रॉक जॉनसन की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और वो ये मानते हैं कि ड्वेन जॉनसन ने ही उन्हें बेहतर बनने पर हमेशा मजबूर किया है और साथ ही साथ उनके फिल्म करियर की शुरुआत में ही ड्वेन जॉनसन ने उन्हें काफी अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट दिया था। सेम गोज फॉर ड्वेन जॉनसन, जो जॉन सीना को बिहाइंड द सीन काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अब जब बात WWE को लेकर जिमनास्टिक की आती है तो इसके बारे में जॉन सीना ने नहीं बल्कि उनके को स्टार एडन इंग्लिश ने साल 2020 में ट्विटर पर बताया था, जिसमें 2018 के स्मैकडाउन डार्क मैच के दौरान इस मैच में मौजूद उनके साथ साथ 5 और रेसलर्स जो कि थे रूसव, एजी स्टाइल्स, द उसोस और बैरन कॉर्बिन पर तकरीबन $20,000 पर रेसलर का फाइन लगा था, जिसे अपेरेंटली जॉन सीना ने बिहाइंड द सीन जाकर इस फाइन को हटवाया था। खैर, रेसलिंग के साथ साथ उन्होंने एक्टिंग में भी खुद को काफी अच्छे साबित किया, जहां पर वैसे तो उनकी शुरुआत WWE द्वारा प्रोड्यूस्ड 12 राउंड मूवी से हुई थी, लेकिन मूवीज के अंदर उनके कॉमेडिक पर्सनालिटी और असल राइज की शुरुआत 2015 की ट्रेन रैक मूवी से हुई थी। लेकिन इसके अलावा भी उनके और भी कई सारे टैलेंट्स हैं, जिसमें अगर आपने जॉन सीना को चाइनीज बोलते हुए देखा होगा तो उसका रीजन ये है कि जॉन सीना एक्चुअली चाइना के मैंडरिन लैंग्वेज में काफी ज्यादा माहिर हैं। और ये बात सालों पहले की है जब जॉन सीना WWE के एक शो के लिए चाइना गए थे और उन्हें वहाँ का लैंग्वेज और कल्चर काफी पसंद आया था, जिसके चलते उन्होंने एक ट्यूटर हायर किया और अपने फ्री टाइम में वो 1 घंटे रोज मैंडरिन सीखा करते थे और आज वो एक काइंड ऑफ एक्सपर्ट है इस लैंग्वेज के। वेल, इतना ही नहीं, वो इसके अलावा एक ऑथर यानी राइटर के रूप में भी जाने जाते हैं। फर्क बस इतना है कि उन्होंने एक किताब बच्चों के लिए लिखी है जिसका नाम एल्बो ग्रीस है। साथ ही साथ बड़ों के लिए उन्होंने अपने करियर के एक्सपीरियंस को मिलाकर एक पॉजिटिव एफर्मेशन वाली किताब भी डेवलप की है, जिसके स्निपेट्स को वो ट्विटर पर शेयर करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने पियानो में भी काफी महारत हासिल की है और वो टाइम आने पर इसे यूज भी करते हैं, जैसा कि उन्होंने पीसमेकर सीरीज के अंदर किया था। इसके अलावा जैसा कि जॉन सीना की जिंदगी का एक ऐसा मोमेंट था जिसमें वो अपनी कार पर डिपेंडेंट थे, आज फिलहाल ये हाल है कि जॉन सीना के पास तकरीबन 20 से भी ज्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं, जिनमें कई सारी कस्टम मेड गाड़ियां तो हैं ही, साथ ही साथ आइकॉनिक शेवलेट्स, कॉर्वेट्स, फरारी, लंबगिनी, ओल्ड स्कूल मसल कार्स और ऐसी कई सारी आइकॉनिक और रेयर गाड़ियां हैं जिस पर एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ जाएगी। और उनकी गाड़ियों का शौक इतना ज्यादा बड़ा है कि एक वक्त था जब वो खुद का ऑटोमोबाइल शो जॉन सीना ऑटो गीक नाम से एक टेलीविजन शो चलाते थे। इसके अलावा क्या आपको ये मालूम है कि जॉन सीना को अपने खुद के नाम को इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने होते हैं? एंड एक्चुअली जॉन सीना को इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। एक्चुअली WWE में जब भी कोई रेस्टर एंट्री लेता है तो उनमें से ज्यादातर को स्टेज नेम WWE ही देती है। अब जैसा कि जॉन सीना ने पहले भी अलग अलग पर्सनैलिटीज का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर WWE कंपनी ने उन्हें अपने नाम का सबसे पहला और सबसे आखिरी हिस्सा इस्तेमाल करने को कहा और ये नाम WWE की वजह से ही फेमस हुआ, जिसके कारण इस पर WWE का
ट्रेडमार्क है और बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट आउटसाइड WWE जॉन सीना करते हैं उसका एक कट या परसेंटेज WWE को भी जाता है। और जैसा कि जॉन सीना की सारी शोहरत का जिम्मेदार WWE ही है, जॉन सीना को अमाउंट देने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। फाइनली अगर बात की जाए अवार्ड्स की, तो खाली WWE के अंदर ही उनके अवार्ड्स को रखने के लिए पूरा का पूरा एक घर बनाया जा सकता है, क्योंकि उनका सबसे पहले तो जॉइंट रिकॉर्ड है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन का, इसके साथ साथ 13 टाइम WWE चैंपियन, 3 टाइम वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन, 5 टाइम WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, 2 टाइम WWE टैग टीम चैंपियन, 2 टाइम वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन और 2 टाइम रॉयल रंबल विनर। साथ ही साथ उन्होंने एक बार मनी इन द बैंक भी जीता है। इनके अलावा भी और भी कई सारे अवार्ड्स जिनको इस वीडियो में शायद मैं मेंशन भी ना कर पाऊं, लेकिन इसके अलावा भी उनका एक और अननोन रिकॉर्ड है और वो है 650 मेक अ विश डोनेशंस का, जहां पर मेक अ विश बेसिकली एक फाउंडेशन है क्रिटिकली इल बच्चों की विशेष को ग्रांट करने का, और ये बेसिकली किसी सेलिब्रिटी द्वारा क्रिएटेड आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है मेक अ विश फाउंडेशन के लिए। अब आपके सबसे बड़े सवाल का जवाब कि आखिर व्हाई वी कांट सी जॉन सीना। वेल, रीसेंट मीम कल्चर के अंदर जॉन सीना की विजिबिलिटी पर काफी ज्यादा असर पड़ा है, और उसका एक बहुत ही बड़ा रीजन ये है क्योंकि खुद जॉन सीना अपने चेहरे के सामने हाथ फेर कर यू कैंट सी मी बोलते हैं। बट टर्न्स आउट कि लोगों ने इस चीज को बहुत ही गलत तरीके से ले लिया, क्योंकि जॉन सीना ने खुद इस बात को एक्सप्लेन किया था कि इस चीज की शुरुआत बेसिकली उनके छोटे भाई ने की थी, जहाँ पर वो अपने फेस के सामने अपने हाथ को सामने रख के गाने की वाइब लिया करते थे, और अपने भाई को ही उन्होंने चैलेंज किया था कि वो इस चीज को टीवी पे करके दिखाएंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। बात रही यू कांट सी मी की, तो बेसिकली इसका असर मतलब ये था कि तुम मेरे लेवल पर नहीं हो, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते या तुम मुझे नहीं देख सकते। एंड ऑफ कोर्स इसी चीज को फैंस ने आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ले जाकर तमाम तरह के मीम और हिलेरियस कॉम्बिनेशंस बनाना इंटरनेट पर शुरू कर दिया। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, ब्लेंडर गुरु के उस कोलैबोरेशन की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे दिया है, उस वीडियो को जरूर विजिट करिएगा, और मेरी हिंदी डबिंग का रिव्यू कमेंट पर देना मत भूलिएगा। बाय द वे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं ऐसी ऑसम वीडियोस लाते रहते हैं, इसीलिए चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।